हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर दौरान हमल महफूज ड्रग्स के बारे में बात करूँगी कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको दौरान हमल इस्तेमाल से माँ और बच्चे को ख़तरा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर्स जैसे ही कोई दवाई लिख रहे होते हैं तो आमतौर पर वो ये बार बार बता रहे होते हैं कि ये हमल की महफूज गोली है, या वो अदवाइयात जो ख़वातीन या बच्चियाँ हमल से पहले खा रही होती हैं हम उनको बाज़ औक़ात बंद करके चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो अदवाइयात प्लासेंटल बैरियर को, यानी कि जिससे बच्चा खुराक ले रहा होता है उसको क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं। और आम तौर पे ये अदवाइयात जो हैं बच्चों में भी किसी भी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी नुक्स डाल सकती हैं। इवन वो बाज़ औक़ात मदर के लिए भी उस टाइम पे मुनासिब नहीं होती। इसलिए तमाम अदवाइयात जो भी आप बिफ़ोर प्रेगनेंसी अगर आप खा रहे हैं तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा उसको ज़रूर रिव्यू करा लें, ताकि वो फिर उसमें अगर कोई रद्दो बदल करना है तो वो कर दे। लेकिन कुछ अदवाइयात हमल की बिल्कुल महफूज होती हैं, उनको आप डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर भी खा सकते हैं। इन अदवाइयात का मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगी। सबसे पहली दवाई फॉलिक एसिड है, इसमें फॉलेट होता है। ये एबनॉर्मल बच्चों से बचाती है, यानी कि बच्चों में अगर कोई ज़हनी या जिस्मानी एक बड़ा नुक्स है, कोई रीढ़ की हड्डी के नुक्स हैं, तो ये इससे बचाती है। इसकी बहुत सारी किस्म जो है जिस मुख्तलिफ नामों से, जिसमें फॉलिक एसिड है, मायफॉल है, एड फॉलिक है, मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। ये आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पेन किलर्स का मैं ज़िक्र करूँगी। हर पेन किलर दौरान हमल ठीक नहीं है। इसमें जो सबसे सेफेस्ट ड्रग है वो टैबलेट पेनाडॉल, या जिसको हम पैरासिटामोल कहते हैं, वो है। इसको आप दो गोलियां इकट्ठी भी खा सकते हैं, और डॉक्टर के मशवरे से आप बेहतर है आप पूछ लें उनसे कि जो सिंपल पेनाडॉल आ रही है जो नीले रंग के पत्ते में है, वो दो गोलियां आप सर दर्द के लिए, जिस्म दर्द के लिए, इवन पेट दर्द के लिए भी खा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स। हर एंटीबायोटिक दौरान हमल सेफ़ नहीं है, ये आपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी है। लेकिन एमोक्सिल है, ऑगमेंटीन है, ये वो ड्रग्स हैं जो दौरान हमल सेफ़ हैं। आप इनको डॉक्टर के मशवरे से, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो बच्चियाँ जिनको दौरान हमल ब्लड प्रेशर हो जाता है, या उनको जिनको हमल से पहले ब्लड प्रेशर था। तो हर दवाई ब्लड प्रेशर की दौरान हमल सेफ़ नहीं है। सिर्फ 2 से 3 ग्रुप ऐसे हैं जो दौरान हमल सेफ़ हैं, तो वो आप डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर लिख लें। इसमें कुछ एमलोडिपिन है और मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स जो हैं मना होते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे लोग खा रहे होते हैं। लेकिन बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें एल्डोमेट शामिल है और मुख्तलिफ दवाइयाँ, वो सेफ़ हैं, तो वो आप डॉक्टर से पूछ के ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वो बच्चियाँ जिनको दौरान हमल शुगर हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मरीज़, या वो बच्चियाँ जिनको हमल से पहले भी शुगर थी और वो मुख्तलिफ अदवाइयात पे होती है लेकिन वो दौरान हमल सेफ़ नहीं है। इंसुलिन सबसे सेफेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन अब हम डॉक्टर्स जो हैं ग्लूकोफेज भी लिख के दे रहे हैं और देखा यह गया है कि उसका बच्चे पर असर नहीं है, यानी कि वो बच्चे में नुक्स कॉज नहीं करते। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, ये जितनी बीमारियों के साथ हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने डॉक्टर से पूछ के अपनी दवाई को चेक करा के फिर दौरान हमल जारी रखना है। इसके बाद आते हैं थायरॉयड के मसले, उनमें थायरॉक्सिन लिखते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो हमल की सेफ़ दवाई है, ये थायरॉयड के पेशेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी आयरन ड्रग्स हैं और कैल्शियम ड्रग्स हैं, इनमें मुख्तलिफ बेशुमार कंपनियाँ हैं, जिनमें सेंगोबियन है, फीफॉलवेट है, ये माल्टोफर है, आइब्रिड फॉलिक है, कैल्शियम में CAC 1000 है, ऑसनेट डी है, इंटिक डी है, ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ ये सारी दवाइयाँ हमल की सेफ दवाइयाँ हैं। आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करें तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। यह खून की कमी से पेशेंट को बड़ी हद तक महफूज रखती हैं। इसके अलावा पेरेंटल आयरन, यानी कि आईवी जिसको हम कहते हैं, आयरन को हम जो है जब आईवी देते हैं, यानी कि जब दवाइयों से ना एनीमिया कंट्रोल हो रहा हो, खून की कमी, तो फिर हम उनको दवाई में लेके आते हैं, यानी कि इंजेक्शन फॉर्म्स में लेके आते हैं जो ड्रिप की शक्ल में लगते हैं, ये भी हमल की सेफ़ दवाई है। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, अब ग्रेविनेट एक गोली सब ने याद की हुई है या मुटीलियम याद की हुई है, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आपने ये दवाई जो है, डॉक्टर उसकी जगह पे दूसरी दवाई लिखते हैं, आप ख़ुद से दवाई ना लें बल्कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद लें।
बच्चे की ग्रोथ की जो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं जिनमें ग्रेवेबेनॉन है, IVFC हैं, ये सब सेफ दवाइयाँ हैं और ये आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उम्मीद है मेरे इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो मेरा सेल नंबर इस पे मौजूद है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।